नमस्कार, जनसत्य न्यूज आप देख रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी और दुखद खबर आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। आरबी अस्पताल में वे भर्ती थे और अब उनका निधन होने की सूचना मिल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, प्रणब मुखर्जी के बेटे ने खुद ये जानकारी ट्विटर पर दी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की ये दुखद खबर, काफी समय से उनकी तबीयत खराब थी और वे दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब ये खबर मिल रही है कि पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से इस खबर के बाद उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि यूपीए सरकार में वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, साथ ही विदेश मंत्री का कार्यभार संभाल चुके पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। 2012 से 2017 तक वे देश के राष्ट्रपति रहे हैं और अब उनके निधन की ये दुखद खबर, प्रणब मुखर्जी के बेटे ने ट्वीट कर ये दुखद जानकारी देश को दी है। काफी समय से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वे दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे और अब उनके निधन की खबर मिल रही है। इस वक्त की ये बड़ी और दुखद खबर, जहां पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। प्रणब मुखर्जी के पुत्र ने खुद ये जानकारी ट्विटर पर दी है और राजेश कुमार हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। राजेश, ये सूचना मिल रही थी कि पूर्व राष्ट्रपति काफी समय से बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं और अचानक ही दुखद खबर। अनु, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है, जो कि राजनीतिक जगत के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक काफी बड़ी खबर है और काफी दुख की बात है कि हमने एक और दिग्गज नेता को खो दिया है। उनके बेटे, जैसे कि आपने भी बताया, उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने जो ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी, उन्होंने ट्वीट कर बताया कि अब उनके पिता जो है वो नहीं रहे और काफी लंबे समय से वो फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे और लगातार कोमा में भी थे और आज उनको एकदम सेप्टिक शॉक जो आया, जिसके चलते उन सांस लेना उन्होंने बंद कर दिया और वो जो लड़ाई काफी समय से लड़ रहे थे इस बीमारी से, वो अब हार गए और आखिर उन्होंने अंतिम सांस आज ली। 84 साल की उम्र के थे और 2012 से लेकर 2017 तक वो भारत के, उन्होंने 13वें राष्ट्रपति के रूप में 2012 शपथ ली थी और वो हमेशा से एक प्रबुद्ध वक्ता के रूप में जाने जाते हैं और अपने फैसलों को लेकर, अपने जो व्यवहार को लेकर वो हमेशा से चर्चाओं में बने रहते थे। उनका जितना बड़ा उनका कद था, उतना ही स्ट्रॉन्ग में उनका व्यवहार भी था लोगों के प्रति। ग्राउंड, जो जमीनी स्तर पर उनकी पहचान थी, जमीनी स्तर तक उनकी पहुंच थी और अपने काफी मुखर थे वो अनुकर, और ये काफी दुख की बात है। और तमाम जो राजनीतिक शख्सियत है, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री ने जो है उनके इस निधन पर दुख जताया है, शोक जताया है और पूरा देश इस शोक की लहर में डूब चुका है, क्योंकि इस साल हमने लगातार राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक हस्तियां, बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों को हमने खोया है। चेतन चौहान उनमें से एक है, अब हमने प्रणब मुखर्जी को खोया। इससे पहले और राजेश, बेहद दुखद ये खबर है, जहां पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की। और जैसा हम जानते हैं कि कई अभी भी राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जिन्हें खुद प्रणब मुखर्जी ही राजनीति में लेकर आए थे, तो कई लोगों की उन्होंने राजनीति में एंट्री कराई थी और कई ऐसे नेता हैं जो कि प्रणब मुखर्जी को देखकर ही राजनीति के गुर उन्होंने सीखे हैं और अपने राष्ट्रपति रहते हुए अपने इस कार्यकाल में भी कई अहम फैसले उन्होंने लिए और कई बड़े ऐतिहासिक कार्य भी इसी दौरान हुए हैं। 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी, जिनके निधन की अब खबर है। इनमें से अगर प्रमुख, अगर ऐसे फैसलों की और ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों की अगर बात की जाए, तो कसाब को फांसी भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में ही हुई थी और साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति भवन की जो कई परंपराएं रही हैं उनमें कई बदलाव किए थे, कई सकारात्मक बदलाव किए थे और लोगों से मिलना, राष्ट्रपति भवन के दरवाजे उन्होंने बच्चों के लिए और विजिटर्स के लिए काफी, और उनके लिए लीनियंसी बरती थी,
काफी बड़े उन्होंने अपने राष्ट्रपति रहते हुए परंपराओं में बदलाव किए थे, और जैसा राजेश आप भी बता रहे हैं कि इस वक्त कई ऐसे राजनेता हैं जो कि उन्हें अपने गॉडफादर की तरह देखते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में और कांग्रेस के लिए बेहद एक मजबूत पिलर की तरह वे रहे हैं। बिल्कुल अनु, उन्हें काफी जो वर्तमान में भी ऐसे राजनेता है जो उन्हें अपने गॉडफादर के रूप में देखते हैं। पश्चिम बंगाल से उन्होंने राजनीतिक सफर तय किया और जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक भवन तक का जो राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया, वो अपने आप में उनकी जो कहानी बयां करता है किस तरह के वो व्यक्तित्व उनका रहा है, किस तरह के वो नेता रहे हैं, वो अपने आप में ही उनकी पूरी कहानी दर्शाता है। क्योंकि भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल करना होता है, और इसके लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, जो उन्होंने राजनीति की जो उन्हें सूझबूझ थी, और जैसा कि आपने बताया कि वो अपने स्वभाव को लेकर लगातार बच्चों से घुल मिलते थे, लगातार जो उनके पास कोई फरियाद लेकर आता था या उनके पास कोई किसी तरह की मदद के लिए आता था, वो कभी भी उन्हें खाली हाथ नहीं भेजते थे, और उन्होंने कई नियमों में भी बदलाव किए राष्ट्रपति रहते हुए। और मैं आपको रोकना चाहूंगी, अब कई ट्वीट भी आ गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर, और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शोक व्यक्त किया है, और साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से भी अब शोक व्यक्त किया गया है। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति की तरफ से भी, रामनाथ कोविंद की तरफ से भी शोक व्यक्त किया गया है और दुख व्यक्त किया गया है राजनाथ की तरफ से, तो अब धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। हालांकि वे काफी समय से बीमार थे, वेंटिलेटर पर थे, और लगातार ये सूचना मिल रही थी कि उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, तबीयत लगातार नासाज बनी हुई है, और अब ये खबर आई है जिसके बाद अब राजनीति में शोक की लहर इस वक्त दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सभी की तरफ से अब दुख भरी प्रतिक्रियाएं प्रणब मुखर्जी के लिए आ रही हैं। बिल्कुल आ रही जी अनु जी, राजेश जी, जी ये अपने आप में ही है। यूपीए सरकार में जैसे वो वित्त मंत्री का उन्होंने पदभार संभाला था और कांग्रेस के एक दिग्गज नेताओं में वो शामिल थे, तो उनका जो व्यक्तित्व है वो आपको दिखता ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक ने उनकी रुख जताया है। वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जो बीजेपी सरकार है उसमें भी उन्होंने वो राष्ट्रपति का कार्यकाल उनका रहा था, और जो सामंजस्य एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में हमें इस दौरान देखने को मिला, अमूमन ये होता है कि जब दो धड़े आमने सामने होते हैं या दो पार्टियों के नेता आमने सामने होते हैं तो वो सामंजस्य हमें देखने को कहीं ना कहीं नहीं मिलता है, लेकिन जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी और बीजेपी सरकार ने आपस में मिलकर जो भी निर्णय लिए वो भी ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने उस दौरान लिए, तो वो उनके व्यक्तित्व दर्शाता है अनु। और जैसा कि आपने पहले ही कहा कि वो जमीन स्तर के नेता थे, उन्होंने कई जो राजनेताओं को जन्म दिया, कई लोगों को उन्होंने राजनीति में लाया, और ये काफी दुख का आज घड़ी है पूरे देश के लिए, ना कि सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, कि आज हमने अपना एक बहुत बड़ा और दिग्गज नेता खोया। इससे पहले जैसे कि हम लगातार बात कर रहे थे अनु की, इस साल जो है हमने बहुत सी हस्तियों को राजनीति की दुनिया में खोया है। इससे पहले चेतन चौहान जो यूपी से थे, जो यूपी के सांसद, उन्हें हमने मंत्री थे, उन्हें हमने खोया, अमर सिंह जी को हमने खोया, और एक और बीजेपी नेता जो नेत्री रही थी यूपी सरकार में उन्हें खो दिया। तो तमाम ये जो 2020 का साल कोरोना के साथ साथ और भी कई दिक्कतें लेकर हमें हमारे सामने आया है, और भी बहुत से दुख लेकर हमारे सामने आया है, और इन्हीं में से एक आज हमने प्रणब मुखर्जी को भी खो दिया है। और कोरोना काल बेहद दुखद रहा है और बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत हानि हुई है, और खुद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कोरोना पॉजिटिव थे, और उसके बाद उनकी जो तबीयत बाद में खराब होती गई और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में वे भर्ती थे, और अब ये खबर है उनके निधन की। तो खुद राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी की ओर से अब इस पर शोक व्यक्त किया गया है, और वाकई राजेश कई देश के निर्माण में जो बदलाव जरूर
जरूरी बदलाव किए जाते हैं। अगर उनकी सूची देखी जाए तो उसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का नाम जरूर शामिल है और उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए, उन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए, रक्षा मंत्री रहते हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उन्हीं के लिए आज जाना जा रहा है। और उन्होंने एक लंबा उनका राजनीतिक सफर रहा है जिसके बाद आज हर कोई उन्हें उनके किए हुए अच्छे कार्यों के बलबूते उन्हें याद कर रहा है। और धीरे धीरे जो प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आती जा रही हैं राजनीति से और खुद बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की ओर से, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। लेकिन राजेश, कांग्रेस के लिए भी एक ये बड़ी हानि है, एक बड़ी क्षति है। बिल्कुल अनु, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़े दिग्गज नेता को खोया है और ये क्षति पूरी कर पाना और ये जो कमी प्रणब मुखर्जी की उन्हें खलेगी, ये इसे कोई पूरी कर नहीं सकता क्योंकि वो अपने आप में ही एक दिग्गज शख्सियत थे। और जो हालात आजकल कांग्रेस में चल रहे हैं, ऐसे में जो वरिष्ठ नेताओं का होना वहाँ बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन इस बीच उन्होंने प्रणब मुखर्जी को खो दिया, ये उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसके अलावा अगर उनके व्यक्तित्व की और बात करें अनु, तो वो सीधे संवाद करने पर विश्वास रखते थे। वो भले ही किसी कहीं छात्रों तक ना पहुंच पाए, लेकिन वो लगातार साल दर साल जो छात्रों से संवाद करते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते थे और जो भी तमाम सुख सुविधाएं छात्रों को या देश जनता को मिल रही है उसके बारे में वो लगातार अपडेट लेते रहते थे जी। और ये उनके व्यक्तित्व का ही है कि उन्हें पूरी दुनिया में, बिल्कुल आप जिस तरह से कह रहे हैं कि चाहे बच्चों के बीच हो या फिर राजनीति के बड़े दिग्गजों के बीच या फिर समाज के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने कई कार्य किए हैं और परंपराओं को तोड़ने की एक मानिए कि उनके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहती थी सकारात्मक तौर पर। जहां उन्होंने हाल ही में आपको याद होगा कि आरएसएस के कार्यक्रम में वे शामिल हुए थे जिसके बाद कुछ सवाल भी उठे थे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे और उन्होंने अपना संबोधन वहां दिया तो सभी लोगों को एक बड़ा संदेश मिला था किस मकसद से वे वहां गए थे और खुद आरएसएस के लोगों के बीच रहकर कई महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाए थे। तो उन्हें जाना ही इसलिए जाएगा कि उन्होंने कई ऐसी परंपराओं को उन्होंने धता बताया है और के लिए उसके अलावा उन्होंने सकारात्मक बदलाव काफी किए हैं। और जिस तरह से माना जाता है कि कांग्रेस की एक अलग विचारधारा है, बीजेपी आरएसएस की अलग विचारधारा है, लेकिन उन्होंने विचारधाराओं को परे कर खुद एक अपने व्यक्तित्व के तौर पर अपनी बातों को रखा है। आरएसएस के कार्यक्रम में भी पहुंचे थे तो कई ऐसे हाल ही के घटनाक्रम हैं जो कि उनकी शख्सियत को बयां करते हैं। बिल्कुल, उनकी शख्सियत को बयां करते हैं। जैसे अनु, मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति जब बोल रहे तो वो मोदी सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रपति थे, तो वो किस तरह से उस सामंजस्य को बिठा पाते थे वो उन्होंने दिखाया। इसके अलावा आरएसएस के उसमें फंक्शन में वो गए, वहां पर उन्होंने जिस तरीके से संबोधन दिया, जो तमाम तरह के सवाल या कयास उनके वहां पहुंचने को लेकर लगाए जा रहे थे, उनका उन्होंने भरपूर मुखर तरीके से जवाब दिया और वो इसी चीज के लिए वो जाने जाते थे। वो बेशक वो कांग्रेस के दिग्गज नेता जाते थे, लेकिन वो एक विचार के साथ जुड़े जरूर थे, लेकिन धारा के विपरीत जाने पर विश्वास रखते थे। उन्होंने सकारात्मक रूप से कई बदलाव किए, हालांकि वो परंपराओं को बदलने में विश्वास रखते थे, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सकारात्मक तौर जिससे देश का विकास हो, देश की उन्नति हो और किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है मूलभूत सुविधाएं उनको मिले, उस चीज पे वो विश्वास रखते थे और इसीलिए उन्हें का नेता कहा जाता था। और जिस तरीके से एक अगर मैं ये कहूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरीके से दूसरी पार्टी में अपनी छवि रखते थे, एक सकारात्मक छवि रखते थे कि उन्हें सम्मान के तौर पर देखा जाता था दूसरे राजनीतिक दलों में भी, तो ठीक उसी प्रकार से प्रणब मुखर्जी को भी उसी सम्मान की नजरों से देखा जाता था और उसी सम्मान के तौर पर उनके निर्णयों को, उनके फैसलों का स्वागत किया जाता था। और अगर कोई बड़ी चीज होती थी, अब विदेश मंत्री रहते हुए, रक्षा मंत्री रहते हुए, वित्त मंत्री रहते, उन्होंने पूरा जो हमारा संविधान है, जो हमारी संरचना है सरकार की, उसको पूरी तरीके से समझ चुके थे और जब भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी देश को लेकर होती थी या किसी अन्य मसले पर उनकी राय की जरूरत, तो जरूर राजनेता उनके पास जाते थे और उनकी राय लेते थे।
और जरूर उसको उस पर उनकी जो जो जिम्मेदारी होती थी वो उसको पूरी तरीके से निभाते थे। और ये उनका व्यक्तित्व भी है कि आज उनके निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और लगातार उनको लेकर संवेदनाएं आ रही है। प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी ट्वीट कर रहे हैं और तमाम जितने भी राजनीति के क्षेत्र से, ना सिर्फ राजनीति से बल्कि अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोग भी उनके जो निधन से काफी दुखी है और अपनी अपनी संवेदनाएं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं और अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया गया है और राष्ट्रपति से, जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनसे लेकर प्रधानमंत्री सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति किस तरह से रामनाथ कोविंद इस पर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं उसे भी मैं जरूर अपने दर्शकों के लिए पढ़ना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के वास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा है। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि श्री प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। और साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट की अगर बात करें, उनकी तरफ से जिन शब्दों में अपना दुख व्यक्त किया गया तो उन्होंने कहा कि एक युग की समाप्ति हुई है और विकास के पथ पर चलने वाले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब शून्य की ओर बढ़ चले हैं। और ये वो ट्वीट है अभिजीत मुखर्जी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, उन्होंने ही ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। और गृह मंत्री अमित शाह का भी ये ट्वीट, जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि विद अ हैवी हार्ट दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माय फादर श्री प्रणब मुखर्जी हैज जस्ट पास्ड अवे। और उन्होंने कहा कि जो उनके पिता हैं और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अभी हमारे बीच से चले गए, इन स्पाइट ऑफ डॉक्टर्स ऑफ आर आर हॉस्पिटल एंड प्रेयर्स ड्यू टू द, उन्होंने बताया कि जिस तरह से वे बीमारी से पीड़ित थे और लगातार डॉक्टर्स की तरफ से कई प्रयास किए गए लेकिन उनके ये जो प्रयास थे ये काम नहीं आए और अब हमारे बीच पूर्व राष्ट्रपति और मेरे पिता प्रणब मुखर्जी नहीं हैं। ये एक ट्वीट किया गया प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी के बाद, जिसके बाद अब शोक की लहर पूरे देश में दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ये ट्वीट किया है और अपनी संवेदना जाहिर की है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी दुख व्यक्त किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से जहां पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ट्वीट कर अपनी संवेदना जाहिर की गई है। पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की तरफ से भी दुख व्यक्त किया गया है और कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति के तौर पर इसे बताया है, जहां कांग्रेस के समय समय पर मार्गदर्शन से लेकर बड़े फैसलों में एक बड़ी भूमिका प्रणब मुखर्जी रही है। एक लंबे समय तक कांग्रेस से वे जुड़े रहे हैं और कांग्रेस की राजनीति में कई बड़े फैसले और एक बड़ा राजनीतिक सफर उन्होंने उनकी विचारधारा को, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने में निभाया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से आते हुए प्रणब मुखर्जी देश की राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ गए हैं और अब उनके निधन से जहां पूरे देश में इस वक्त शोक है। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की ये दुखद खबर। फिलहाल इससे जुड़ी और भी जानकारियां जो मिलती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।